मील के पत्थर। कपड़े सूटकेस में रखते हुए तन्वी को याद आया कि आज उसको माँ के पास से अपने बचपन के मित्र अनिरुद्ध के साथ आए हुए ठीक 6 महीने हो गए। तलाक के बाद माँ का घर बहुत गर्माहट से भरा था, पर वहां के ठंडे होते कोने अब तन्वी को चुभने लगे थे। अनिरुद्ध एक घनी छाया बनकर आया था। पहले कुछ दिनों तो सब कुछ मिनटों की गति से घटता रहा। नया फोन, नया घर, बेटे का स्कूल में प्रवेश, तन्वी की नौकरी, हर जगह अनिरुद्ध साया बनकर उसे ढके रहता। कभी अचानक उसके ऑफिस पहुंच जाता, कभी गार्ड से कॉफी की अर्जी भिजवाता, कभी बरसात में चलते चलते बोगनवेलिया के नीचे खड़ा करके बेल को जोर से हिला देता, और कभी तन्वी की आंखों के काले घेरों को गर्म और ठंडे पानी से सेक उन्हें चूम लेता। कभी कभी उसका पेडिक्योर भी करता और कहता कि इससे प्यार बढ़ता है तन्वी। इससे पहले पति के साथ बीता हुआ समय भी मानो अपनी मन की चोटों और जोड़ों के दर्द पे मलहम सा लगा रहा था। पर पिछले कुछ दिनों से कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जैसे कोई प्यारा सा वाक्य लिखते लिखते आधा छोड़ दिया जाए, या फिर चित्रकार पेंटिंग बनाए और ब्रश से उस पर एक कट्टा मार दे। कल तन्वी ने शाम को ड्रिंक्स लेते हुए अपने दबे सरों को उठाई दिया। अनिरुद्ध, एक मुकाम पे तो पहुंचना है ना, क्या सोचा है? किस संबंध में? अनिरुद्ध का अनमनापन अपनी चरम सीमा पर था। तुम्हें मालूम है मैं क्या कह रही हूं? हाँ, शायद मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूं, पर तुम इस बात के हाथ धो के पीछे क्यों पड़ गई हो? रिंकू अपने दोस्तों को तुम्हें अपना पापा बताता है अनिरुद्ध। बच्चे का सहारा ले रही हो तुम। मैं वो बता रही हूं जो जो घट रहा है। तन्वी के शब्दों की तलखी में आंसुओं की नमकीनी मिश्रित होती जा रही थी। तुम टूटी हुई थी यार, मैं तुम्हें सहारा देना चाहता था, मैंने कंधा दिया था तुम्हें, इसके आगे कभी सोचा नहीं। अनिरुद्ध मेज को आगे खिसका कर झटके से खड़ा हो गया। बस, हाँ बस, डैम इट! और एक भद्दी सी गाली देकर वो घर से बाहर था। हमारे यहां लड़की हमेशा झोली ढूंढती रहती है, एक झोली से गिरी तो दूसरे की झोली में पट से आके गिर गई। तन्वी को अपनी सहेली दीपा की उक्ति याद आ रही थी। पैकिंग खत्म करके तन्वी ने पलट कर घर पे एक नजर डाली। अनिरुद्ध की गढ़ी के नीचे उसका लिखा नोट फड़फड़ा रहा था। सोचती हूं इस बार अपना सहारा खुद बन जाऊं। यहां तक का सफर तय करे बिना शायद मैं ये सोच नहीं पाती। मेरे जीवन का मील का पत्थर बनने के लिए शुक्रिया। दरवाजा बंद करके रिंकू को गोदी में लिए ऑटो में बैठ गई। पहली बार था कि उसने अपनी मां को नहीं बताया कि वो जा कहां रही है। सामने से अनिरुद्ध घर की ओर जा रहा था, हाथों में तन्वी के मनपसंद फूल लेकर। एक औरत और नारी की जो यात्रा होती है, अक्सर हम ये मान के चलते हैं कि घर से शुरू होती है और घर पे खत्म होती है, लेकिन उसके आसपास बेड़िया या फिर जो बेड़ा लगा दिया जाता है, कभी कभी तोड़ना उसे जरूरी होता है। तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो तुम, डूबती आहों का जखीरा या आत्मबोध की भोर हो तुम, तय करो
करो किस ओर हो तुम, अपने को अपने से छिपा और पितृ सत्ता का तिलक लगा। अपने को अपने से छिपा, पितृ सत्ता का तिलक लगा, कोख में दिए हुए डर डर का जोड़ या उसका तोड़ हो तुम। तय करो किस ओर हो तुम, ना ना ना। क्यों सुनते हो तुम उसमें उसकी भाव, ना तो बस है ना बिस्तर हो या दुकान, ना में हाँ की सत्ता का नीला छोर या इस पश्चा घन घोर हो तुम। तय करो किस ओर हो तुम, जागो मत भागो, मांगो ये हक है तुम्हारा बोलने की आजादी, नसों में बहते खून सा शाश्वत है तुम्हारा, जागो। तय करो किस ओर हो तुम, तय करो। दर्द के ये अनदेखे ताले पर लगा लिए हैं पिंजड़ों ने, कौन बांधे। उगने दो अंतर का तेरे ये अंकुरित लोहा, आवाज तेरी बन जाएगी कबीर का एक दोहा। कर उसकी जोरा जोरी है, ये उसकी ही कमजोरी है, गहनों में बांधते उसी में सोते जागते, पक्के घेरों की खेल हो तुम। या जो पत्थर पर भी उगाए वो बेल हो तुम। तय करो किस ओर हो तुम, तय करो। तू चूरमा की चूरी है, तू चूरमा की चूरी है, तू गहरे सोच की धूरी है, तू लिखती है थोड़ी पागल है, तू गिरती है, तू अर्श से फर्श तक लड़ती है, तू टूटती है, तू अधूरी है, तू पूरी है, तू औरत है। तय करो किस ओर हो तुम, तय करो। डूबती आहों का जखीरा या आत्मबोध की भोर हो तुम, तय करो। बहुत खूब, ब्यूटीफुल, रियली अमेजिंग। माय ऑब्जर्वेशन इज दैट this is a new technique of telling stories and it will really create wonders around us, at least buzz around. Thirdly, to talk on subject like this, I think I have a panel of ladies with me who would really come out with their, inner pains. Even those who have not identified it, even they can give a very good expression. क्योंकि इसको लिखने का मकसद हमेशा से ये रहा कि जो थोड़ी सी जागरूकता की कमी थी, अनजाने, मैं ये नहीं कह रही कि जो गांव में रहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ तक कि जो बहुत पढ़े लिखे हैं जो गांव में नहीं रहते शहरों में रहते हैं, उन घरों के अंदर भी वो जागरूकता की कमी होती है, तो शायद कुछ ऐसी सोच यहाँ मेरे आसपास हों, लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं जो एक छोटे सी चिंगारी पैदा कर सके। Then you will say कि आपके पास हर एक चीज की शायरी है और रुबाई है। मुझे अच्छा लगता है। There is a stage for male as well, which is being conveyed in this रुबाई, कि तेरी नजरों की छुवन की मुझे दिन भर तलाश रहती है, तेरी नजरों की छुवन की मुझे दिन भर तलाश रहती है, रहो तुम आस पास मेरे,
इसकी आस रहती है। कोई रिश्ता मुझसे कायम करो इसकी तवक्को नहीं करता, हाँ तुमसे मिलने की दिन भर प्यास रहती है, तुमसे मिलने की दिन भर प्यास। इसे कहते हैं इसे पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि ये तो बहुत ही जले भूखे दिमाग से निकली कविता है और वहां पे आपने रोमांस की फुहार लगा दी। या एग्जैक्टली सर, या आई बिलीव दैट इवन इन रोमांस व्हेन देयर इज थिंग्स व्हेन दे आर क्लियर it really gives birth to something fantastic. अगर आपने वात्स्यायन अज्ञेय का नदी के द्वीप उपन्यास पढ़ा है तो आप देखिए वहां रेखा और भुवन जो हैं वो एक दूसरे से सब कुछ बात करते हैं, but then because of the clarity there is no confusion. And वो ये स्पष्टता शायद विचारों में भी चाहिए। Yes, आ जाती है तो exactly संबंधों में भी आ जाती है।